निर्दलीय प्रत्याशी चमरा लिंडा को भारी मतों से विजय बनाने पर बनाई गई रणनीति। चुनावी जनसभा के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में निर्दलीय प्रत्याशी चमरा लिंडा हुए उपस्थित। लोहरदगा शहरी क्षेत्र के ईदगाह मोहल्ला के समीप लोहरदगा एसटी लोकसभा संसदीय क्षेत्र मुस्लिम अधिकार रैली व चुनावी जनसभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में निर्दलीय प्रत्याशी चमरा लिंडा शामिल हुए। इस दौरान निर्दलीय प्रत्याशी चमरा लिंडा को बुके देकर स्वागत किया गया। मौके पर निर्दलीय प्रत्याशी चमरा लिंडा को भारी मतों से विजय बनाने पर बनाई गई रणनीति। वहीं चुनावी जनसभा के कार्यक्रम में चमरा लिंडा जिंदाबाद का नारा लगाया गया। मौके पर अफसर कुरैशी, पवन इक्का, इकबाल खान, जफर इकबाल, निहाल कुरैशी, मजीबुल्ला अंसारी, अजहर इकबाल, नौसाद अंसारी, सफदर आलम, एजाज अख्तर, टिंकू कुरैशी, महबूबुल्ला अंसारी जैसे भारी संख्या में चुनावी जनसभा के कार्यक्रम में उपस्थित थे। खबर 365 न्यूज के लिए लोहरदगा ब्यूरो, सद्दाम खान की रिपोर्ट। ज्यादा बेटर पोजीशन है, उस समय ये पता नहीं चलता था कि दो एंगल का लड़ाई है। उस समय लगता था तीन एंगल का लड़ाई होगा, अभी है क्लियर कि दो एंगल की लड़ाई होगी। कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस पीछे है, कांग्रेस बहुत पीछे है, 50,000 पीछे है। इसीलिए अगर कंटेस्ट है 5,000, 2,000, 4,000 तो बीजेपी के साथ हमारा है। इसीलिए हम यहाँ पर आए कि आप 2,000 से 4,000, 5,000, 10,000 कम से कम एड कर दीजिए और फाइनलाइज कर दीजिए। ये क्लियर है हमारे दोनों के बीच में कंटेस्ट। आपके पास कोई स्टार प्रचारक नहीं है, ना राहुल है ना मोदी, तो फिर कैसे आप जीत पाएंगे? हम लोग के पास मेरा सिद्धांत है, हमारे पास मेरा थीम है, मेरे पास मेरा सोच है, मेरे पास मेरा रास्ता है, वो जो सोसाइटी के लिए जो हमें समर्थन करता है उसका एजेंडा है और उसका सर्वाइवल के लिए हम फाइट करते हैं। इसीलिए जिसके लिए हम सर्वाइवल के लिए फाइट करते हैं वे सभी लोग हमको वोट करेंगे और एकमुश्त होकर वोट करेंगे। उसी समाज के बड़े बड़े नेता लोग आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप इंडिपेंडेंट किसी और के लिए काम कर रहे हैं। मैंने अभी कहा कि हम फाइट सीधे कर रहे हैं और सीधे बीजेपी को हरा रहे हैं। अब 10,000 वोट मेरा वोट को अगर हम 10,000 से हरा रहे हैं तो 10,000 को लेस करने के लिए वो कांग्रेस में डालना चाहता है जो बहुत पीछे है, जिसका गणित 10 जूटेगा, आफ्टर दैट भी वो नहीं जीतेगा या तो नजदीक तक भी नहीं पहुंचेगा। तो इसीलिए ये भी गया और वो निकल गया। ये प्रयास हो रही है बहुत ज्यादा तरीके से, इसीलिए हम कंटेस्ट कर रहे हैं, बराबर की कंटेस्ट कर रहे हैं और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। इसलिए ये आरोप गलत है। 2004 से हम खड़ा कर रहे हैं तो ये आरोप कौन चीज का? उस समय से अब तक कोई आरोप लगा नहीं, अभी आरोप कौन चीज का लगेगा? 50,000 हम वोट लाते तो कोई कह सकता था कि वोट कटवा है, लेकिन हम तो कंटेस्ट करते हैं। 5,000 से हार जीत होता है, वो कटवा नहीं हो सकता। मुस्लिम समाज के बड़े बड़े नेता आपके साथ में है लोहरदगा में, कैसे देखते हैं इसको? मैं सबका आभार व्यक्त करूंगा इन समर्थन का, और मैं पिछले कल में भी इनके आभार व्यक्त करता रहा हूं। इन लोगों ने समर्थन किया और उसी के कारण हम 2009 में उस स्थिति में आए। इस बार ज्यादा बेहतर है और इसीलिए ज्यादा बेहतर है तो जाहिर है कि हम इस बार लीड पॉइंट में हैं और आगे की पॉइंट में हैं, श्योर की पॉइंट। लोहरदगा के लिए क्या प्राथमिकताएं होंगी? हम दो तीन चीजों को आम जनता के लिए रखे थे, इकोनॉमी कर विशेषकर, और हम लोग रेल को लाने का कोशिश कर रहे थे और कारखाना बनाने का, बॉक्साइट का कारखाना। यहाँ पर बॉक्साइट टीन खाली बनाने का नहीं होता है, यहाँ पर ड्यूरेलुमिन जो बनाता है ये लोग और उसका हवाई जहाज पानी जहाज बनता है, इतनी प्रीसियस है, इतनी संपत्तिवान है जो हम लोग नहीं जानते हैं। इसलिए चलेगा नहीं, तुम किधर किधर ले जाते हो, यही कारखाना बनाओ और नहीं तो सब बॉक्साइट को बंद करो, ऐसे हम लोग कहेंगे जरूर। इससे इकोनॉमी फैलेगा, इकोनॉमी आएगा, इकोनॉमी आएगा तो संपन्नता आएगा, तो पलायन खत्म होगा, रेल आएगा तो लोग बिजनेस करेंगे, अपनी सब्जियों को लेकर के कहीं ना कहीं जाएंगे, ऐसा कॉमनली हम कहते हैं। मेनली तो हम जो लड़ना चाह रहे हैं आदिवासी समाज के लिए, मगर इन चीजों को भी करेंगे। सरना धर्म को तो हमारी बंद कर दी, हम लोग बहुत चिंतित हैं। 2001 में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया आया, उसने कहा ओपन कर दो, उसके बाद 2011 में बोला ओपन कर दो, मेरी फॉर्मेट में लिखो, जैन से ज्यादा होगा हम दे देंगे, और हमने लिखा और ज्यादा हो गया। अब 2021 में हम लोग कई गुना बढ़ सकते थे, करोड़ों हो सकते थे, उस समय उसने रोक दिया और बंद कर दिया और 7 नंबर कॉलम को क्लोज कर दिया। ये हमें गुस्सा है, पूरे समाज को गुस्सा है, और इसको ओपन करना ही पड़ेगा, जिस भी हालत में ओपन करना पड़ेगा। अगर हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए जैसे भी हो पाया, मगर इस रास्ते से हम आंदोलन के भी रास्ता पकड़ लिए हैं, और इसलिए कभी ऐसा न हो अगर जनगणना करने आए बिना इसको दिए हुए बैकआउट कर देंगे, सारा का सारा क्षेत्र में ब्लॉक हो जाएगा जितने जनगणना पदाधिकारी होंगे। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज, साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।